अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी ये वीडियो की बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मोबाइल में जब हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो उसको हम कंप्यूटर की तरह किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल की रेजोल्यूशन और होती है। हम जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं मोबाइल में तो उसकी रेजोल्यूशन और होती है, मतलब कि उसका साइज़ और होता है। लेकिन अगर आपको तमाम ऑप्शन सेम उसी तरह से चाहिए, आपको डिस्प्ले सेम उसी तरह से चाहिए जैसे कि हम पीसी यानी कि कंप्यूटर में करते हैं, तो वो हम मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम गूगल क्रोम को ओपन करवा लेते हैं। गूगल क्रोम को मैंने ओपन करवा लिया। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास गूगल ओपन है। अब गूगल में मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, पाकिस्तानी रुपी टू इंडियन रुपी। अब देखिए ये मोबाइल की फार्मेट है। अब यहाँ पे देखिए मुझे कन्वर्टर चाहिए, मैंने पाकिस्तानी रुपीस को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है या इंडियन रुपीस को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे कन्वर्टर नहीं दे रहा। तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार है? अब क्योंकि ये मोबाइल की फार्मेट है तो उसमें कभी कन्वर्टर आता है कभी नहीं आता, ठीक है। तो अब मुझे इसको बिल्कुल वो डिस्प्ले चाहिए जो हमें कंप्यूटर में मिलता है। तो उसके लिए यहाँ ऊपर देखिए ये जो तीन डॉट्स हैं यानी कि मेन्यू का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करें ऊपर। यहाँ पे नीचे आप एक देखेंगे, आपको एक प्लगइन नज़र आएगा यानी कि एक बटन नज़र आएगा, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। ये जो रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट का बटन है इसको आपने चेक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर हम इसे दोबारा से ओपन करें, यहाँ पे मैं फिर से टाइप करता हूँ, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कन्वर्टर आ चुका है जो कि पहले हमारे पास नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्टर आ रहा है, मैं पाकिस्तानी रुपीस को इंडियन रुपीस में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में 1000 है तो ये इंडियन करेंसी में हमारा बनेगा 560 रुपये। यानी कहने का मकसद है कि यहाँ पर फिर हमारे पास तमाम ऑप्शंस जो हैं वो सेम उसी तरह से आती हैं। तो इसके लिए तरीक़ाकार आपको बता दिया कि यहाँ पर जो हमारे पास मेन्यू है क्रोम में यानी कि तीन डॉट हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो हमारे पास बटन होता है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, इसको आपने चेक कर लेना है। तो हमारे पास फिर जो डिस्प्ले है वो हमारे पास आ जाएगा, मतलब कि कंप्यूटर का। तो ये आज की हमारी बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।